नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश की एक खबर, जिसे देखकर उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश में कुछ कठमुरले, कुछ ऐसे लोग जो पागल हो गए हैं। जी हां साहब, योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अध्यादेश लाने का फैसला कर लिया है। इस अध्यादेश से उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश जनसंख्या हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पहुंच गई है। अन्य राज्यों के मुकाबले अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार से भी कहीं ज़्यादा आगे निकल गई है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आज अन्य कई देशों को पीछे छोड़ रही है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की जनसंख्या जहाँ 33 करोड़ है, वहीं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है। UAE जिसकी जनसंख्या, जिसे हम दुबई कहते हैं, उसकी जनसंख्या 9 करोड़ है, वहीं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है। कई ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या आज उत्तर प्रदेश से भी कम है। बता दें आपको कि पाकिस्तान, जो हमारा दुश्मन देश है, पड़ोसी देश है, जो हमसे अलग हुआ, आज उसकी जनसंख्या जो है 23 करोड़ है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है। UAE की जनसंख्या 10 करोड़ है। ऐसे हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की, तो जहां उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है, वहीं पर महाराष्ट्र जनसंख्या 13 करोड़ है, बिहार जनसंख्या 9 करोड़ है। मतलब कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या अपने आप में इस कदर आगे बढ़ रही है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जीना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे जनसंख्या विस्फोट अगर होता रहा तो इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा, इंसानों के लिए चलने के लिए जगह नहीं बचेगी। लेकिन इस जनसंख्या विस्फोट की वजह से देश के कुछ कठमुल्ले पागल हो गए हैं। ये वही लोग हैं साहब, जनसंख्या के नाम पर देश में मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, सरकारी नौकरियों में आरक्षण ले रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देश में भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अब ऐसे लोगों पर भी तलवार चलने वाली है, ऐसे लोगों पर भी तांडव होने वाला है, ऐसे लोगों पर भी सरकार की गाज गिरने वाली है, क्योंकि ऐसे लोगों पर सरकार ने मन बना लिया है कि अब इनको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे लोग न चुनाव लड़ पाएंगे और न किसी चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे। विधि आयोग कानून बनाने में जुटा हुआ है, अगले 2 महीने में रिपोर्ट जो है CM योगी के टेबल पर पहुंच जाएगी। अब UP में 2 बच्चे ही अच्छे हैं, इसका नारा, इस नारे को लेकर योगी सरकार एक्शन में है। 2 से ज़्यादा बच्चों पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, और ज़रूरत भी है साहब, क्योंकि आमदनी ठन्नी और खर्चा रुपया की तर्ज पर इस समय देश चल रहा है। हमारे पास आमदनी तो नहीं है, हम कहते हैं हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास काम धंधा नहीं है, लेकिन बच्चा पैदा करने में हम किसी से पीछे भी नहीं हैं। भले ही काम धाम ना हो, हमारे पास नौकरी ना हो, रोजगार ना हो, रहे कपड़े पहनने के लिए कपड़े ना हो, रहने के लिए घर ना हो, खेती करने के लिए ज़मीनें ना हो, लेकिन बच्चा पैदा करने में हम किसी से पीछे नहीं हैं। और ये भी आप जानते हैं कि बच्चे पैदा करने में कौन लोग पीछे नहीं हैं। अभी तो ये काउंटडाउन है, अभी तो कई ऐसे नियम कानून आने बाकी हैं जिससे हिंदुस्तान में अभी और भी ज़्यादा तांडव होगा। रोहिंग्या मुसलमानों पर CM योगी का बुलडोजर चल ही रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर उनको उनके देश वापस भेजा जाएगा जहां से वो आए हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करके उन लोगों पर कम नकेल कसी जाएगी जो लगातार जनसंख्या का विस्फोट कर रहे हैं, आबादी विस्फोट कर रहे हैं। और आबादी बढ़ाने वाले, जनसंख्या विस्फोट करने वाले, इस देश को जनसंख्या के में सबसे ऊपर पहुँचाने वाले कभी देश का भला नहीं कर सकते। कुछ लोग कह रहे होंगे कि मुसलमानों का हक है, कुरान पाक का हक है, तो हम आपको बता दें जो कुरान आप पढ़ते हैं वही कुरान सऊदी अरब भी पढ़ता है, वही कुरान दुबई भी पढ़ता है, वही कुरान अन्य इस्लामी राष्ट्र भी पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ के नियम और यहाँ के नियम में अंतर है। आज UAE दुबई की जनसंख्या, जो एक देश है उसकी जनसंख्या 10 करोड़ है, और हम उत्तर प्रदेश एक राज्य है जिसकी जनसंख्या 24 करोड़ है। आखिर ऐसा कौन सा नियम, ऐसा कौन सा तालीम है जो वहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है। उत्तर प्रदेश में जब अजान पर बैन करने की बात आती है, तब उत्तर प्रदेश में
एक विशेष समुदाय घर जलाने लगता है, अपना तांडव शुरू कर देता है, छाती पीटने लगता है। आखिर क्यों? सऊदी अरब, जिसे आप अल्लाह का घर कहते हैं, जिसे आप अपने दीन का घर कहते हैं, आज उस सऊदी अरब में अजान का पर बैन लगाने की बात की जा रही है, वहाँ पर साउंड कम करने की बात की जा रही है, और वहाँ के मुसलमानों ने एक बार भी चू नहीं किया, बल्कि सरकार के इस एक्शन का समर्थन भी किया। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अगर हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कर दिया जाता है तो हमारे यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ सड़क पर धरना देना शुरू कर देती हैं। एक विशेष समुदाय छाती पीटना शुरू कर देता है, एक विशेष समुदाय जो है मोदी योगी को अपना दुश्मन बताने लगता है, जबकि सरकारी सुविधाओं का लाभ सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान ने किसी को दिया है तो एक विशेष समुदाय को ही दिया है। न जाति देखी जाती हिंदुस्तान में, न धर्म देखा जाता है, जो भी लाभ मिलता है सबको मिलता है। इस तर्ज पर भारत आगे बढ़ता है, लेकिन भारत के लोग आखिर क्यों नहीं सोच समझ पा रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट करना इस देश के लिए बहुत हानिकारक है। हमें और आपको अब सोचना पड़ेगा, दो से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वंश चलाने के लिए एक बच्चा ही काफ़ी है। शेर कोई ज़रूरी नहीं कि हम 10 गधे पालें, एक शेर पालें वही काफ़ी है। 10 गधे पालने से आपका घर का हर सदस्य गधा बन जाएगा और पूरा घर गधे का डेरा बन जाएगा। एक शेर पालिए ताकि आप शेर की तरह ज़िंदगी जिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने में सरकार की मदद करें। मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि ये कानून देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। अब इसमें किसी मुसलमान, किसी हिंदू या किसी अन्य समुदाय या कम्युनिटी को बुरा मानने का सवाल पैदा नहीं होता। अगर कोई बुरा मान रहा है तो फिर या तो वो देश का हित नहीं चाहता है, या तो वो देश का विकास नहीं चाहता है, या वो देश में बने कानून से वो खुश नहीं है। अब आप बताइए, अमेरिका जो सुपर पावर देश है, दुबई जो संपन्न देश है जिसके आज सब कुछ है, हमारे यहाँ के भी कई लोग दुबई कमाने जाते हैं, रोजगार तलाश में जाते हैं, आज उस देश की जनसंख्या 10 करोड़ है, 10 करोड़, और हमारी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है। हम किस तराजू में अपने आप को तोलेंगे, किस तर्ज पर अपने आप को हम महाशक्ति कहलाएंगे? आज कई अरब रुपए लोगों के पेंशन पर जाते हैं, लोगों को खाना खिलाने पर जाते हैं, लोगों को फ्री का राशन बांटने पर जाते हैं। अगर उन्हीं पैसों को बचाया जाए तो वाकई में हम विश्वगुरु बन सकते हैं। सबसे पहले हमें अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर करना होगा। जो बांग्लादेशी हैं वो बांग्लादेश जाएं, जो पाकिस्तानी हो पाकिस्तानी जाएं, जो अफगानिस्तान के हैं वो अफगानिस्तान जाएं, जो रोहिंग्या हैं म्यांमार के हैं उनको वो वापस जाएं। हिंदुस्तान में वही रहेगा जो हिंदुस्तानी होगा, और उसको भी रहने के लिए नियम और कानून के तहत चलना होगा। ऐलान है उत्तर प्रदेश सरकार का, ऐलान है इस देश का कि अब हिंदुस्तान जनसंख्या विस्फोट को और आगे बढ़ने नहीं देगा। मेरा आपसे निवेदन है कि जितना हो सके इस खबर को आप शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दें, क्योंकि कुछ लोगों को हमारी बातें बुरी लगी होंगी। तो मेरा उनसे निवेदन है कि सच हमेशा कड़वा होता है, और कड़वी अगर किसी बीमारी को दूर करना है तो कड़वी दवा पीनी पड़ती है। जब तक आप कड़वी दवा नहीं पियेंगे बीमारी दूर नहीं होगी। तो इसलिए इस कड़वी दवा को आप समर्थन करिए और इस कानून का भी आप पालन करिए, ताकि आने वाला भविष्य हमारा और आपका उज्जवल हो सके। वीडियो ख़त्म करते हैं, अनुरोध करते हैं खबर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।